नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन विजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्रीम है ये बीटा सैलिक ऑइंटमेंट जो कि 20 ग्राम की है, सिप्ला का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने अगर मेडिसिन विजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज रहेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूं। तो आज का जो वीडियो है बीटा सैलिक, ये शुरू करने से पहले दोस्तों, तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें दोस्तों। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं, जिसमें आपको जो मेडिसिन रहती है उसकी जानकारी दी जाती है, कहाँ पे इस्तेमाल करना वही मतलब मैं बताता हूँ। लेकिन सेल्फ मेडिसिन ना करें, क्योंकि बहुत लोग जो रहते हैं तो उनको उनकी बीमारी पता नहीं रहती, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन करते थे, वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर को कौन सी भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से एक बार पूछ लें। कैसा रहता है, हर एक की स्किन फिजिकल हेल्थ पे ये डिपेंड रहता है, मेडिकेशन कौन सा करना जरूरी रहता है। तो ये बीटा सैलिक जो ऑइंटमेंट है, इसकी मैं बेसिक जानकारी क्या है ये बता रहा हूँ। ये बेक्लोमेथासोल डाइप्रोपिनेट और सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन से ये क्रीम बनी हुई है। और साथ ही में इसकी जो 20 ग्राम की ये क्रीम है, इसमें 88 रुपये की ये क्रीम है दोस्तों, जो कि मैं जेनरिक से लाया था तो 60 रुपये मुझे ये मिल गई थी। तो 2 साल का एक्सपायरी टाइम ड्यूरेशन रहता है। अभी बीटा सैलिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है ये मैं बता देता हूँ। तो जो भी सूजन वाली जगह रहती है, मतलब सूजन मतलब जहाँ पे खुजली हो रही है और सूजन भी बढ़ रही है, तो वहाँ पे ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। जो सूजन मतलब लाली आ गई है, खुजली भी हो रही है, तो वहाँ पे आप बेक्लोमेथासोल डाइप्रोपिनेट जो रहेगा, तो उसकी वजह से आपकी जो सूजन वाली जगह है वो कम हो जाएगी, खुजली भी कम हो जाएगी। और सैलिसिलिक ऑइंटमेंट जो रहेगा, तो उसका काम जो रहता है कि जो डेड स्किन रहती है अपनी त्वचा में जहाँ भी इन्फेक्शन हो गया है, उसे निकालने का और नई स्किन लाने का काम ये करेगा, मॉइस्चराइज करेगा त्वचा को। तो ये क्रीम जहाँ पे सूजन और खुजली ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक क्रीम लगा सकते हैं। ये एक्जिमा सोरोसिस जैसे रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको कॉम्बिनेशन मॉइस्चराइजर करने के बाद अपने पिंपल पे भी लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो सिप्ला कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, मेटल ट्यूब है। तो इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ 2 बार करें। अगर बहुत सारा साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो कृपया इसका इस्तेमाल तुरंत रोकें। जैसे साइड इफेक्ट माने जहाँ पे लाली हो रही है, खुजली बढ़ रही है, या स्किन मतलब टाइट हो गई है, मतलब स्किन पे जो है वो कड़क बन गई है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर की सलाह से आप इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।